जर्मनी के शहर क्रफल्ड के चिड़ियाघर में लगने वाली आग की जिम्मेदारी 60 साल खातून और उनकी दो बेटियों ने कबूल कर ली। सालेनाओ के मौके पर क्रफल्ड के चिड़ियाघर में बंदरों के पिंजरों में आतिश जदगी के बायस 30 जानवर हलाक हुए थे, जिनमें चिंपैंजी और गोरिले भी शामिल हैं। इस हिस्से में बंदरों के अलावा दीगर जानवर भी रखे गए थे, जबकि इसके साथ वाले हिस्से में रखे गए गोरिलों को रेस्क्यू इदारों ने जलने से बचा लिया था। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ों पर स्काई लाइटन की मौजूदगी पाई गई थी, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया गया था कि आतिश जदगी की वजह यही लालटेन है। पुलिस के मुताबिक वाक़े के जिम्मेदार खातून और दो बेटियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खवातीन ने वाक़े की खबर रेडियो पर सुनने के बाद खुद को पुलिस के हवाले किया, जिनसे कंदीलें जलाने की पूछताछ की जाएगी। क्रफल्ड पुलिस के तफ्तीशी अफसर गर्ड हॉपमैन के मुताबिक खवातीन ने स्काई लालटेन ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी। वो उन पर पाबंदी से नावाकिफ थी और वाक़े पर बेहद माजरत ख्वाह हैं। तफ्तीशी अफसर ने खवातीन की जानिब से खुद को पुलिस के हवाले करने के इकदाम को जुरतमंदाना करार दिया। पुलिस की जानिब से गफलत बरतने पर तफ्तीश की जाएगी। अगर खवातीन पर गफलत बरतने का मुकदमा साबित हो गया तो उन्हें जुर्माना या 5 साल कैद की सजा का इम्कान है।